लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। इसीलिए वो घर घर घूमकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और अपनी सरकार की योजनाओं का बखान कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर केजरीवाल आज साउथ दिल्ली में लोगों के बीच पहुंचे थे, मगर इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जब भी कुछ अच्छा करने की सोचते हैं तो उनका दांव उल्टा पड़ जाता है। महिलाओं के दिलों में जगह बनाने के लिए केजरीवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए दिल्ली मेट्रो और डीटीसी बस में उन्हें मुफ्त सेवा देने की बात कही थी, जिसे लेकर 2 से 3 महीने में प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस घोषणा के बाद से ही सीएम केजरीवाल सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे थे, लेकिन आज जब वो इस पर फीडबैक लेने के लिए मालवीय नगर पहुंचे तो उनके साथ एक हैरान करने वाली घटना घटी। जी हाँ, क्योंकि एक महिला इससे इस कदर खफा हुई कि केजरीवाल की शर्ट ही पकड़ ली। दरअसल कुछ महिलाएं केजरीवाल के इस ऐलान को अपने अपमान के साथ जोड़कर देख रही हैं, जिसका एक मामला आज केजरीवाल के साथ हुई घटना के रूप में सामने आया। वैसे महिला वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश को लेकर तो केजरीवाल को विरोध का सामना करना पड़ा ही, वहीं बिजली और पानी को लेकर भी उन्हें लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। मुख्यमंत्री साउथ दिल्ली के हुमायूंपुर में जनता की समस्या जानने के लिए पहुंचे थे। यहां जैसे ही केजरीवाल ने बिजली पानी को लेकर अपनी सरकार की वाहवाही करनी शुरू की, लोगों ने पानी, बिजली और गंदगी के मुद्दे पर भी सवाल खड़े किए। लोगों ने केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि 5 साल पहले जब आप पानी के मुद्दे पर जनता के बीच आए थे तब इसे लेकर जो समस्या थी आज भी वही समस्या बरकरार है। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलाके के लोगों को आश्वासन दिया और कहा कि जल्द से जल्द उनके इलाके में पानी की समस्या को दूर कर दिया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी केजरीवाल को विरोध का सामना करना पड़ा था। दिल्ली में जहां एक शख्स ने उनके साथ बदसलूकी की थी, तो वहीं पंजाब में उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।